राम राम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं थेपले। इसके लिए मैंने लिया है एक 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बेसन, और इस एक मैंने मेथी, फ्रेश मेथी ली है, उसे काट के और 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 कप मैंने मेथी ली है। चम्मच डाल रही हूँ इसमें नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच इसमें डालूंगी अजवाइन। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 कप डाली है दही, और 2 बड़े चम्मच इसमें डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से डो लगा लेंगे, जैसे कि रोटी के लिए लगाते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, स्टिकी रहेगा, क्योंकि इसमें बेसन डला है, बेसन की वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है। इसका मैंने डो रेडी कर लिया है और अब इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा रेडी है। थोड़ा सा हाथ पे हम लगाएंगे ऑयल और छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे, जैसे कि पूरी के लिए बनाते हैं। सारी बॉल्स बना के मैं रेडी कर लेती हूँ और इसके बाद हम इसे बेलेंगे जितना पतला हो सके उतना। और इसके लिए हम सूखा आटा लगा लेंगे अच्छे से, वो कोई टेंशन नहीं है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है ये आटा। तो पतले पतले सब थेपले हम बेल के रख लेंगे, एक साथ ही बेल के रख लेंगे। थेपले बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये थेपले 3-4 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं तो हम इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। ये देखिए, मैंने सारे थेपले बेल के रेडी कर लिए हैं। तवा मेरा गर्म हो चुका है, गरम तवे पे ही हम इन्हें साथ साथ सेकते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको क्रिस्पी नहीं करना है, परांठे की तरह दबा दबा के इसको क्रिस्पी नहीं करना है। एक तरफ तेल लगा के और दूसरी तरफ भी मैंने ये तेल लगा दिया है। इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे, लेकिन इसको क्रिस्पी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्रिस्पी होने से ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इसमें सॉफ्टनेस नहीं रहती। ये देखिए, ये मेरा थेपला रेडी हो चुका है। इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे थेपले रेडी करके रख लेंगे। ये सारे थेपले मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, आप घर पे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। साथ में मेरा चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।